हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्निकल चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमएस पेंट 3D जो है चलाना सीखेंगे। अगर आप सभी इस टाइम कंप्यूटर को नया नया लर्न कर रहे हैं और कोई क्रिएटिविटी टूल को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप इस टूल के जरिए कंप्यूटर को काफी अच्छा समझ जाएंगे और आप ये भी जान जाएंगे कि कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज किया जाता है। ये एक एकदम बिगनर लेवल की वीडियो है फ्रेंड्स। अगर आप सभी इस टूल को सीखना चाहते हैं तो वीडियो जो है आप सभी के लिए है। आपको सिंपली क्या करना है, सिंपल सा स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है एमएस पेंट। ठीक है, जैसे ही आप एमएस पेंट लिखेंगे तो यहाँ पे आपको पेंट 3D और पेंट जो है देखने को मिलेगा। पेंट ये पुराना वाला टूल है जो हमें पहले देखने को मिलता था पुराने कंप्यूटर्स में। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसमें एमएस पेंट 3D जो है चलाना सीखेंगे। तो ये जो है नया टूल है जो कि आपको विंडोज 10 के अंदर जो है देखने को मिलता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये 3D वाला वर्जन है, सिर्फ विंडोज 10 में देखने को मिलता है। विंडोज के पुराने किसी भी वर्जन में ये सॉफ्टवेयर आपको देखने को नहीं मिलता है। ये आपको पहले से ही प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा विंडोज 10 के अंदर। जैसे हमने इसको ओपन किया तो कुछ ऐसा इसका इंटरफेस है और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में, एक है न्यू और एक है ओपन। अगर हमने से पहले से कोई नया प्रोजेक्ट यानी पहले से कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है तो उसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन हमें दे रखा है कि आप यहाँ पे नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू पे क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो गया है और यहाँ पे अनटाइटल्ड फाइल नेम शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी फाइल नेम देकर इसको सेव नहीं किया है। आप कोई भी काम करने से पहले फाइल को सेव जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको कैनवस में ये जो वर्किंग एरिया है यहाँ पे एक पेज दिख रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से पेज लेआउट सेट करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कैनवस पे यहाँ पे क्लिक करना है। कैनवस में क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पे जो विड्थ है आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, आपको कितनी डालनी है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1366x768 जो कि पिक्सल्स में है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा डाउन करूं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा जो वर्किंग एरिया है वो तैयार हो गया है। अब इसके अंदर में जो जो काम करूंगा यहाँ पे जो है अब इतने एरिया में जो है काम करेगा। आप चाहे तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसका एक्सपेक्ट रेशो मैं लॉक कर देता हूँ और रिसाइज इमेजेस विद कैनवस को इसको भी चेक कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये पेज जो है ब्लैंक आ जाए, ठीक है, तो आप इसको जो है यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ये पेज जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लेकिन पेज ट्रांसपेरेंट रहेगा लेकिन आपका स्क्रीन वर्किंग एरिया भी यानी जो भी काम करेंगे आपको इसी के अंदर करना पड़ेगा। तो मैं अपने केस में फिलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ। तो ये था फ्रेंड्स सिंपल सा एक पेज लेआउट के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी। आप अपने हिसाब से इसमें अपने अकॉर्डिंग जैसा मर्जी साइज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि अगर हमें कोई फोटो इसके अंदर इम्पोर्ट करनी हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको मेन्यू दिख रहा है, मेन्यू में आपको यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे पूछ रहा है कि पुराना वर्क स्पेस आपको सेव करना है, नहीं तो फिलहाल मैं तो कुछ किया नहीं तो मैं डाउन सेव कर देता हूँ। और जैसे कि यहाँ पे एक फोटो है, अगर इस फोटो को मैं ओपन करना चाहूँ तो डायरेक्टली ओपन इसके अंदर मैं कर सकता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे फोटो जो है ओपन हो गई है। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर हाँ ये तो हमने क्या किया, यहाँ से ब्राउज करके फोटो को यहाँ पे इम्पोर्ट किया हमने। ठीक है, तो फोटो आ गई। अगर मान लीजिए अगर मुझे कोई स्क्रीनशॉट चाहिए, जैसे कि इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ इमेज व्यूअर के अंदर, तो देख सकते हैं कि इमेज व्यूअर के अंदर एक फोटो आ गई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि पूरे डेस्कटॉप की स्क्रीन का स्नैपशॉट लेके मैं इस एमएस पेंट के अंदर जो है ओपन करूँ तो कैसे करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जिसका भी स्क्रीनशॉट लेना वहां पे आ जाना है और अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, इस बटन को प्रेस करना है सिर्फ एक बार, उसके बाद आपको एमएस पेंट के अंदर आ जाना है 3D के अंदर और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो आपके पास आ चुका है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पे न्यू कर देते हैं, एक नया वर्क स्पेस तैयार करते हैं। ठीक है, हमारे पास आ गया है। अब इसके अंदर हम चीज़ें देखेंगे यूज करके कि कैसे कौन कौन से टूल को हमें यूज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रशेस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके अंदर। तो देखिए ब्रशेस टूल पे आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है मेन्यू बार में, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड में बहुत सारे ब्रशेस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी बाय डिफॉल्ट जो है मार्कर पे ही सेट रहता है और ये कैलीग्राफी पेन है,
या आपको एक ऑयल ब्रश देखने को मिल जाएगा, या आपको वाटर कलर देखने को मिल जाएगा। हर एक ब्रश का अपना अलग अलग काम है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप कोई ड्राइंग करते हो क्रेन कलर्स को यूज़ करते हो, ठीक है, यहाँ पे क्रेन कलर आ रहा है, ये वो कलर है जिसे हम देसी भाषा में मोम के कलर बोलते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया रेड कलर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ इसकी, ठीक है, 50 प्लस कर दिया मैंने, 61 हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं कोई कलर करता हूँ तो देखिए, जैसे हम मोम के कलर करते हैं सेम वैसे ही आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वाटर कलर का भी एक है, देखिए वाटर कलर, तो वाटर कलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और कोई और कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने येलो, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे हम वाटर कलर यूज़ करते हैं सेम वैसा इफेक्ट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए पेंसिल है, पेंसिल मैंने सिलेक्ट किया और इसको चलिए मैं ब्लैक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए जैसे हम पेंसिल को यूज़ करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे हम जो जो टूल यूज़ कर रहे हैं ब्रश के, सभी इफेक्ट जो है जो जिसका नाम आपको जैसा दिख रहा है, आपको वैसे ही इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल जो भी हमने ड्रॉ किया है इसको हम रिमूव कर देते हैं। सेलेक्ट टूल में जाता हूँ, मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट हो जाने के बाद आप चाहे तो इसको मूव करके कहीं छोटा बड़ा करके रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कीजिए और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको कैनवस को अपना खाली कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे ब्रशेस का आप तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिल का ऑप्शन है, ये फिल का ऑप्शन है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई कलर फिल करना जो मेरे कैनवस है उसमें कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो कलर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको फिल कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे येलो कलर जो है आ गया। तो इस तरीके से मैं इसको फिल कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ पे ले लिया मार्कर, थिकनेस इसकी बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, थिकनेस बढ़ाने के बाद ओपेसिटी मैं फुल रखूँगा और यहाँ से मैं ले लेता हूँ वाइट कलर। वाइट कलर लेके मैं मान लीजिए इसको पूरा ऐसे कुछ रेंडमली ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो बीच वाला पोर्शन है येलो वाला, ये किसी और कलर का हो जाए, तो फिल कलर को उठाऊँगा और यहाँ से जो भी कलर मेरे को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके उसको मैं फिल कर दूँगा। तो देखा आपने, इस तरीके से आप कलर को फिल कहीं पे भी कर सकते हैं। ये तो बस मैंने एक छोटा सा आपको डेमो बताया, आप कहीं से भी कैसे भी किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं। अब आई थिंक आप सभी ब्रश का इस्तेमाल सीख गए होंगे। और यहाँ पे आपको जो है आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने मार्कर को सिलेक्ट किया है, ओपेसिटी अगर मैं यहाँ पे 1% कर दूँ तो देखिए यहाँ पे कलर तो होगा लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ओपेसिटी मैंने 1% करी हुई है। अगर थोड़ी सी और बढ़ा दूँ तो देखिए 30% में आपको ऐसा दिखेगा इफेक्ट। थोड़ा और डार्क करना है तो मैं और ओपेसिटी बढ़ा दिया, 100% शो करने के लिए पूरा 100% शो कर दूंगा। तो इस तरीके का कलर सेम वही है, ब्रश वही है, सिर्फ थोड़ा सा इफेक्ट जो है हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो चलिए इसको डिलीट मार देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, हाँ, अगर आप इस चीज़ को सीख रहे हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट वे में सीखिए ब्रशेस वगैरह का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने ये ब्रश लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने कोई कलर सेलेक्ट कर लिया, मैंने इस कलर को सिलेक्ट कर लिया पिंक को, और अगर मैं इसे यहाँ से फिल करता हूँ तो देखिए ऐसे फिल होगा। अब नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, अगर आपको इसका साइज इंक्रीज करना हो तो आप यहाँ पे जाएंगे वापस, ठीक है, इसकी थिकनेस को जाएंगे, थिकनेस को इंक्रीज करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जो है आप यूं करेंगे तो देखिए थिकनेस बढ़ गई, फिर और बढ़ाना हो फिर और वापस जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके आप इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे। तो ऐसे में जो है एक थोड़ा और तरीका है, एक स्मार्ट तरीका नहीं है, टाइम भी बर्बाद होता है ऐसे में। आपको सिंपली क्या करना है, मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कलर को, अब मेरे को चाहता हूँ कि मैं यहीं से जो है इसको मैं थोड़ा सा थिकनेस इसकी कम कर दूँ, तो सीधा आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल माइनस, ठीक है, जितनी देर तक माइनस आप प्रेस करेंगे उतना छोटा होता चल जाएगा और उसके बाद आप यहीं से डायरेक्टली काम स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा करना हो तो कंट्रोल प्लस बड़ा कर दीजिए और अपना यहाँ से आप फिल करते जाइए। तो देखा कितना आसान है, इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट वे में आप ब्रशेस का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे नीचे, ठीक है, कलर आपको कैसे फिल करना है, अगर मान लो कोई कलर यहाँ पे नहीं है तो ऐड कलर में जाके आप यहाँ से कलर को पिकअप कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है कलर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्रशेस वाला सेक्शन जो है अब कम्प्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम 2D शेप्स पे। 2D शेप्स को भी इस्तेमाल करना बहुत ईजी है, ठीक है। अभी आप कहेंगे 2D और 3D में क्या डिफरेंस है, वो आप वीडियो को देखते जाइए, आप अच्छे से जान जाएंगे कि क्या क्या आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2D शेप्स की, तो 2D शेप्स में आपको सबसे पहले कर्व लाइन जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको चार सैंपल देखने को मिलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले वाला सैंपल है लाइन, इसमें किसी भी लाइन में एक फर्स्ट पॉइंट होता है, एक लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, ठीक है। तो आप इस लाइन के अंदर अगर मैं दो पॉइंट की बात करूँ तो आपके पास दो पॉइंट है, एक फर्स्ट, ठीक है, और एक लास्ट। आप किसी को भी फर्स्ट लास्ट मान लीजिए। अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो मान लीजिए मैं इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है इसकी जो है एंगल वगैरह चेंज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अगर मैं चाहूँ कि अगर इसके बीच में कोई लाइन करना, ठीक है, यहाँ से कोई पॉइंट निकालना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके कलर वगैरह यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्या है, अगर मैं यहाँ से कोई थर्ड पॉइंट निकालना चाहूँ ना फ्रेंड्स, तो वो पॉसिबल नहीं है इस वाले शेप में। तो उसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ और देखते हैं उसको हम कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कि मेरे को तीन पॉइंट वाली कोई चाहिए, ठीक है, तो कोई शेप चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है थ्री पॉइंट का, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे को जितने एरिया में जो चाहिए मैंने ऐसे करके सेलेक्ट कर लिया। इसका थिकनेस मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास तीन पॉइंट्स आ गए हैं, 1, 2 और 3। अब मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, ये तीन पॉइंट्स के हिसाब से जैसे चाहूँ वैसे इन पॉइंट्स को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ और अपने हिसाब से जैसे चाहूँ इसकी शेप को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस शेप के अंदर मेरे पास तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको मैं अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये अब देख लेते हैं लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, इससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। लास्ट वाला है 5 पॉइंट कर्व, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक कर्व लिया। अब इस कर्व में देखिए टोटल 5 पॉइंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इन पांचों पॉइंट में कहीं से भी कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक एडवांटेज जो है मेरे को मिलता है यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग जैसी आपको शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर यहाँ से जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है कलर कर लीजिए, थिकनेस सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसका चूज अ मटेरियल है, ये अलग अलग स्टाइल्स है इसमें थोड़े से, और अगर आप इसको 3D में बनाना चाहते हैं तो मेक 3D पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ डिलीट। अब आई थिंक आप सभी जान गए होंगे कि लाइन कर्व्स का यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम 3D में भी देखेंगे कैसे करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ शेप्स होती है जिसको हम 2D शेप्स बोलते हैं, जो कि पेरिसिपली इंस्टॉल्ड होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर इसी सॉफ्टवेयर के साथ। जैसे कि एक है हमारे पास हार्ट की, तो मैंने हार्ट को सिलेक्ट किया, हार्ट ड्रॉ करना है तो मैंने हार्ट को ड्रॉ कर लिया। तो हार्ट बेसिकली रेड कलर का ही होता है, यानी ऐसे ही दिखाया जाता है ग्राफिक्स वगैरह में रेड कलर का, तो रेड कलर का हमने बना लिया। और अगर मैं स्टार की बात करूँ तो एक स्टार जैसे मेरे को यहाँ पर लगाना है बीच में, तो मैं एक स्टार भी यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो ऐसे कुछ शेप्स हैं, इनका आप जो है यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर ऐसे बहुत सारी शेप्स हैं, इन सभी शेप्स को अपने अकॉर्डिंग जो है जैसी आपकी नीड हो उस तरीके से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं सभी को सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 3D शेप्स की, 3D शेप्स को कैसे हम यूज़ करेंगे। अब जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हम आ गए हैं 3D शेप्स वाले सेक्शन में। तो ये काफ़ी मज़ेदार सेक्शन है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इसके अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 3D शेप्स में 3D लाइब्रेरी। जैसे आप, लेकिन ये ऑप्शन आपके पास तब आएगा फ्रेंड्स जब आपके सिस्टम में इंटरनेट इनेबल होगा, ठीक है, तब ये ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब होता है क्या है फ्रेंड्स, हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर कभी बहुत सारे जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एनिमल ले लेता हूँ, मैंने एनिमल पर क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स के 3D मॉडल्स जो हैं आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से जैसे मैं एक हॉर्स को ले लेता हूँ और देखिए ये जो है ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो तुरंत जो है आपके कैनवस में जो है यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। और ये 3D मॉडल आएगा, देखना आप देख सकते हैं 3D में आया है। आपका वो ये 3D में आया है मतलब हम समझे नहीं, तो मतलब आप समझे नहीं तो आप देखिए, अगर इसको मैं रोटेट करूँ यहाँ से तो देखिए मैं इसको वाई एक्सिस पर रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए बिल्कुल 3D में है, ठीक है, 3D में है पूरा का पूरा ये मॉडल है। अब इसको देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो आप देख सकते हैं आपको ये हॉर्स जो है कैसे दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम इस जगह पे या इस जगह पे जो है इसको खड़ा कर देते हैं, स्टैंड कर देते हैं यहाँ पर,
ठीक है, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है। ऐसे ही इसके अंदर जो है 3D लाइब्रेरी के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे, आपके पास यहाँ पे जो है ना कमी नहीं होगी। चलिए इसके बगल में एक हिमालयन माउंटेन गोट को हम लगा देते हैं, ये थोड़ी अच्छी लगेगी हॉर्स के साथ, थोड़ा लुक भी दोनों का सेम ही है, इसको लगा देते हैं। तो देखा आपने यहाँ से ना, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में कोई भी 3D मॉडल चाहिए आप यहाँ पे सर्च कीजिए, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि अपडेट होता रहता है, इसके अंदर नए नए जो है करेक्टर्स जो है ऐड होते आते हैं, आप जो है इसको टाइम के साथ यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप यहाँ पे किसी को भी आप इंपोर्ट कीजिए और अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी 3D मॉडल को आप इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास आ गई गोट, ठीक है, अब इस गोट को मैं यहाँ खड़ा कर देता हूँ और इसकी थोड़ी सी पोजिशन जो है ऐसे करके मैं चेंज कर देता हूँ, तो आप देखिए कि ये गोट जो है कैसे यहाँ पर दिखेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पोजीशन थोड़ा सा इसको मैं आगे की साइड सरफेस पे खड़ा कर दूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम सरफेस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हॉर्स से आगे खड़ा कर देता हूँ, अब ये रियल में हॉर्स से आगे खड़ा है लेकिन ऐसे में दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने वर्क स्पेस में इसको ऐसे खड़ा कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ डूडल्स हैं, 3D डूडल्स लिखा है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक शेप बना के दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया, नीचे गया, फिर इधर को गया, तो देखिए जितने मैंने कर्व्स लेगी, जितने पॉइंट पे मैंने टर्न लिया, वहाँ पे ऑटोमेटिक ये पॉइंट्स जो है आ गए हैं। अब मैं चाहूँ तो इनको डायरेक्टली यहाँ से जो है एडिट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। ठीक है, आप अगर समझे नहीं तो मैं आपको यहाँ पर एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ जो है आपको एक समझा देता हूँ। इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे क्या करना है, डूडल को सिलेक्ट करना है और मैंने यहाँ से एक सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से कर्व लिया मैंने, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे पास जो है ये डूडल। तो चलिए फ्रेंड्स अब यूज़ करते हैं हम 3D डूडल को। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया ट्यूब ब्रश पे, सिलेक्ट किया, यहाँ से आप थिकनेस जो है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसी शेप चाहे वैसी शेप यहाँ पे ले सकते हैं कि आपको किस शेप में ये चाहिए। मैं ट्रायंगल शेप कर लेता हूँ, थिकनेस जो है आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे सही लगे उस हिसाब से आप कर लीजिए। यहाँ पे मैं थिकनेस थोड़ी सी 73 सही है। अब इसको मैं देखिए टैपर है, इसको मैं इस शेप में यहाँ से ले गया। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, इन पॉइंटों पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन पॉइंट की हेल्प से मैं इसको कहीं से भी कैसे भी कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, जैसी चाहे वैसी शेप जो है यहाँ पर बना सकता हूँ। ठीक है, ये एक सबसे अच्छा इसके अंदर मेरे को एक पॉइंट लगा कि आप अपने हिसाब से किसी भी शेप को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। 2D शेप में क्या था, हमने एक बार यहाँ पे कर्व्स में चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लाइन वाले कर्व्स में यानी सिर्फ 2D में काम कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम 3D शेप में बात करें तो 3D शेप में हमारे पास 3D वर्क स्पेस है यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, ये जो हमारा मॉडल है ये हमारे 3D में है, ये हमारे पास एक ये अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। आप अगर इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो आपके यहाँ पर कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, 3D मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, आपको एक 3D मॉडल जो है इंपोर्ट करके दिखाता हूँ जिससे कि आप जो है अच्छे से जान जाएं। तो यहाँ पे एक मेल का 3D मॉडल है, मैन का, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ क्योंकि एक हॉर्स राइडर तो हमें चाहिए साथ में। तो देख सकते हैं हमारे पास ये मैन जो है आ गया है। ठीक है, आप जो है आप इसको अपने हिसाब से जो है जैसा चाहे वैसा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे चाहे इसको वैसे कपड़े पहना सकते हैं। आपको मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप कहेंगे कि इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे इसके अंदर काम करते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बता दूँगा, आप मेरे को नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एक डेमो दे देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैन वाला शेप है, ठीक है, और इसके अंदर मैं प्री डिफाइंड कुछ करेक्टर यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कुछ ट्रैक्टर्स, ये टेक्स्टर्स हैं, इसको अब तो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कुछ स्टिकर्स हैं इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे को चाहिए एक आई, क्योंकि मेरे को इसकी आँख लगानी है, तो मैं इसकी आँख पे जाऊँगा, एक आँख ऐसे करके यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगा। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे सही लग रहा है,
एक आँख मैंने ऐसे करके लगा दी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी एक आँख आ गई है। अगर मैं इसकी एक जीभ लगाना चाहूँ यहाँ से टंग, तो देखिए इस मॉडल में आप जैसे किस जिस चीज़ को सेट करोगे ना, तो फ्रेंड्स ये आपको उसी मॉडल के हिसाब से उसके अंदर आपको जाती हुई दिखेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो है कुछ अलग से जो है इस पे कहीं से लेके कुछ लगा दिया है, कुछ वो कर दिया, ऐसा नहीं दिखेगा। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और मैं मान के क्या चलता हूँ मैं ना इसको कुछ ड्रेस टाइप का पहनाना चाहता हूँ। या तो मैं होगा कि इसके मैं इसके अंदर कलर कर दूँ, फिल कर दूँ, तो इस तरीके से काम चल सकता है। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है यहाँ से डायरेक्टली इसके ऊपर जो है कपड़े फिल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो यानी जो फिलिंग एरिया है ना, वो सिर्फ इस मॉडल के अंदर है, बाहर कहीं पे भी नहीं गया। अगर मैं इसको वो कर दूँ तो बाहर कहीं पे भी नहीं गया, ठीक है। ये एक सबसे अच्छा जो है इसके अंदर पॉइंट है। चाहे तो मैं आपको इसको टर्न करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप और अच्छे से जो है जान जाएंगे। तो देखिए मैंने टर्न कर दिया, तो आप देख सकते हैं कहीं से भी ऐसा पता नहीं चल रहा है। रही बात पीछे वाले बैकग्राउंड की, पीछे पे भी हम अलग से सेट कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे को 3D मोड में दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना फर्क जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ ये सब ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं हॉर्स को भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्टिकर्स में जो है ना फ्रेंड्स, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टिकर्स जो है आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगे, कैसे आप अपने वर्कस्पेस में किस किस का कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत सारे स्टिकर्स जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा टेक्स्चर्स, ठीक है। आप टेक्स्चर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, जैसे मार्बल का टेक्स्चर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ लगाना चाहता हूँ, तो इसका प्रीव्यू है। आप अपने हिसाब से चाहे तो इसको जैसे मर्जी चाहे वैसे ऐड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्राउज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टिकर्स का भी कस्टम स्टिकर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले से कोई स्टिकर बना रखा है, उसको ऐड करना चाहते हैं, तो उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास 3D शेप्स के अंदर, स्टिकर्स के अंदर काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप अपने शेप्स को भी यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। तो चलिए अब चलते हैं टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट आप सभी जानते हैं कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पहले है हमारे पास 2D टेक्स्ट। तो 2D टेक्स्ट कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। हमारे पास ये लिखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2D टेक्स्ट। आप इससे एग्जाम्पल अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये है एग्जाम्पल फ्रेंड्स 2D टेक्स्ट का। आप चाहे तो इसको यहीं से भी शॉर्टकट लेके बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल 2D टेक्स्ट, और ये वाला ऑप्शन है 3D टेक्स्ट का। अब ये भी देख लेते हैं कि 2D टेक्स्ट में और 3D में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3D और यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, इसको भी मैं कर देता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद जो है आप अगर इसका कोई फॉन्ट चेंज करना चाहें तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको स्क्रिप्ट वाला दे देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करने में मेरे को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स 2D और 3D टेक्स्ट। अभी जो दोनों का एंगल है, व्यूइंग एंगल देखने का, वो दोनों का सेम है 2D, ठीक है। 2D का भी है और 3D का भी 2D व्यूइंग है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 3D वाले को, तो आप देखिए आप खुद देख सकते हैं कि ये जो है 3D में है, लेकिन ये चीज़ मैं 2D टेक्स्ट के साथ नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप चाहे तो 3 को अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, D को अलग तरीके से बहुत सारी जगह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ पॉसिबिलिटी हमारा 3D के अंदर है, 2D के अंदर नहीं है। आप सभी इसको थोड़ा सा शायद अभी अच्छे से नहीं जानेंगे, लेकिन जब आप इसके दोनों के साथ काम करेंगे 2D और 3D के साथ, और 3D के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप इसी का यूज़ ज़्यादा करेंगे, जिससे कि आप जो है काफ़ी अच्छे से 3D को समझ पाएंगे। बाकी जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे एडिट कलर, सेलेक्ट ऑल, मल्टी सेलेक्ट, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि कैसे करना है मल्टी सेलेक्ट। अगर जैसे मेरे को इसको इसको दोनों को साथ में सेलेक्ट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद कंट्रोल प्रेस किया और इसको भी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि दोनों का इंटरफेस दोनों अभी अलग अलग है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ सेंटर पॉइंट्स हैं,
टेक्स्ट को आपको सेंटर में अरेंज करना है, कहाँ अरेंज करना है, ये सब जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिट मोड में आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, और इसको भी कर देता हूँ मैं यहाँ से डिलीट। ठीक है, यह हो गया डिलीट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इफेक्ट्स की। तो मेन चीज है अब ये इफेक्ट, तो देखते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा पहले पेज लेआउट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसको जो भी मैं इसका लेआउट सेलेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पे वो आपको बैकग्राउंड में देखने को मिल जाएगा। ऐसे में शायद ज़्यादा अच्छा आपको देखने को ना मिले, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ 3D शेप में जाता हूँ और एक जो है यहाँ पे कोई शेप जो है इम्पोर्ट कर लेता हूँ। पहले शेप कर रहा हूँ यहाँ से कोई भी एक एनिमल 3D कंगारू को ही, चलिए हम यहाँ से जो है यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं अपने वर्क स्पेस के अंदर। अब जो है आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो है कहाँ और कैसे जो है बैकग्राउंड में और इसमें जो है फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको अभी लाइट का एंगल चेंज करके दिखाता तो अभी जो है आपको पता नहीं चलेगा। अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पहले से रहेगा तो ये आपको जो है अच्छे से जो है पता चल जाएगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यह ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं वापस इफेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये जो लाइट व्हील है इसका एंगल मैं चेंज करता हूँ तो देखिए ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लाइट का एंगल जो है चेंज हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट किया था, वरना आप ऐसे जो है पता ना लगा पाते अगर मैं डायरेक्टली ब्लैंक में इसको व्हील को मूव करता तो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ और तब इसको चेंज करता हूँ, अब आप अच्छे से देख पाएंगे कहाँ कहाँ से लाइट जो है कैसे एंगल जो है इसका चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप लाइटनिंग एंगल जो है चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी टेक्निक है और इस टेक्निक का आप जो है यूज़ कर सकते हैं। कैनवस वाली सेटिंग्स तो आपको मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताई दी थी कि कैसे आपको यूज़ करना है, और 3D लाइब्रेरी का भी आपको मैंने यूज़ बताई दिया था। तो अभी आपको मेरे को सिखाना था कि मल्टीपल सेलेक्ट जो है कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक गोट को ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि दोनों अगर 3D में हैं तो कैसे आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कैसे ग्रुपिंग करेंगे, ये थोड़ा सा मैं एक आपको जो है आइडिया बता देता हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कैसे जो है यहाँ पे काम करना है। तो देख सकते हैं कि हमने जो है गोट को यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये डाउनलोड हो चुका है हमारे पास और ये गोट हमारा यहाँ पे आ चुका है। दोनों भाई भाई लग रहे हैं जैसे फ़ोटो खिंचाने खड़े हैं। नहीं भैया, फ़ोटो नहीं खिंचानी, हमें बस आपको एक एग्जांपल के लिए बताना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मूव करता हूँ, ठीक है, तो दोनों का जो है एंगल जो है मेरे को अलग अलग करके पहले इसको सिलेक्ट करूँगा फिर इसको सिलेक्ट करूँगा तो अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इसको भी जो है गोट को भी सिलेक्ट कर लूँ और इसको यहाँ से कर दूँ ग्रुप। अब जब भी मैं इनमें दोनों में से किसी को एक को सिलेक्ट करूँगा तो दोनों साथ में मूव होंगे, एंगल चेंज करूँगा तो दोनों का एंगल भी जो है साथ में मूव होगा। जैसे मर्जी यानी इसमें जो भी चेंजेस करूँगा दोनों का सेम इफेक्ट में जो है चेंज होगा। ये एक अच्छी बात है, इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे जो है चेंज कर सकता हूँ। अगर बाद में अगर आप चाहें अनग्रुप करना तो अनग्रुप कर सकते हैं। बाकी नीचे जो है आपको कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। टेक्स्टिंग अगर स्मूथ करना चाहते थे इस ऑप्शन को ऐसे इनेबल कर दीजिए तो थोड़ा सा स्मूथनेस वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं जैसे कि क्रॉप, जैसे क्रॉप का ऑप्शन है तो यहाँ पे कुछ पहले तो आपको प्रीसेट फ्रेम मिल जाते हैं जो इसके अंदर पहले से सेव है, जैसे कि हमारा हमने जो है यहाँ पे सेट किया था 1366x768 पे। ठीक है, इस एस्पेक्ट रेशो पे हमने सेट किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग अलग ले सकते हैं। यहाँ पे पहले से हैं जैसे 16:9 पे है। ठीक है, ये इसके सारे व्यूइंग फ्रेमिंग है, इसका व्यूइंग एंगल है 3.2, ये हो गया 1:1 का ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पे डन कर देता हूँ 1:1 पे, मैं चाहता हूँ सिर्फ इतना ही आए। तो देखिए इतना जो है यहाँ से क्रॉप हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सेव करना चाहें तो सेव करने का एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, जाइए सेव एस पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे सेव एस कॉपी कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इसको इमेज की फॉर्म में सेव करना चाहता हूँ तो मैंने इमेज पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये PNG उठा लेता है। ठीक है, मैं इसको PNG में सेव करना चाहता हूँ। आप चाहे तो यहीं से भी इसका एंगल और फ्रेमिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। आप इसको कर लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट आए तो ट्रांसपेरेंसी को इनेबल कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं
यहाँ पे टेस्ट के नाम से इसको सेव कर देता हूँ, टेस्ट वन। ठीक है, ये 2D इमेज है और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गया। अगर आप ट्रांसपेरेंसी आप ऐसे कर देंगे तो इसको आप कहीं किसी और ऑब्जेक्ट में भी आप यूज़ कर पाएंगे, तो काफ़ी अच्छा है ये टूल। अगर आप सभी चाहते हैं कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप स्टार्टिंग से ही अपग्रेड कर लें, जैसे कि आप फोटोशॉप या दूसरे कोई टूल वगैरह आप जो है यूज़ करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए, लेकिन अगर आप इस टूल के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो है आपको किसी भी टूल के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर को, कैसे आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ अगर आप सभी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो भी नीचे मेरे को कमेंट में कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।